हम सब मिलके अच्छा शिवपुरी ग्वालियर संभाग और कैसे बेहतर बनाए, ये हमारी ड्यूटी है। अभी आपने देखा, अभी अजय एक बात और है, देखिए विकास के लिए कितनी चिंता है। कूनो डैम बोला बनना चाहिए कि नहीं? अरे भैया ये विकास का मेला है ना, विकास का मेला। और ऐसा सक्षम नेतृत्व सिंधिया जी, हमारा नेतृत्व आप चिंता नहीं करें, ये सक्षम नेतृत्व यहाँ पे है। आप साथ मिलके कूनो बांध बनाने की भी पूरी औपचारिकताएं दी जाएगी। देखो ये शिवपुरी जिले के विकास का स्वर्ण युग है। जो काम बरसों पहले स्वर्गीय महाराज ने प्रारंभ किया था, उसको अब अंतिम पायदान तक ले जाना है, ताकि हमारा शिवपुरी हरा भरा रहे, यहाँ की जनता सुनी रहे, अपना जिला आगे बढ़ता रहे। और शिवपुरी के अलावा मैं ग्वालियर की जनता से कहना चाहता हूँ, दतिया की जनता से कहना चाहता हूँ, गुना की जनता से कहना चाहता हूँ, अशोक नगर की जनता से कहना चाहता हूँ कि वो भी चिंता ना करें। हम सभी जिलों में एक साथ पहुंचेंगे और जैसे उन जिलों में विकास के काम तेजी से हो उसका प्रयास करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, अभी आपने एक डॉक्टर यहाँ देखा, ये गरीब परिवार से आता था, आज मैं अपने सब युवा बेटा बेटियों को आश्वस्त करता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक साल के अंदर 15 अगस्त तक 1,00,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, प्रक्रिया जारी है। 83,000 निकाल चुके हैं, 83,000। हम बच्चों को शासकीय नौकरियां भी देंगे और पढ़ाई की चिंता मत करना। अभी डॉक्टर को आपने देखा, 30,00,000 इसकी फीस हमने भरवाई। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, किसान भाई बहन, गरीब भाई बहन, मध्यम वर्गीय परिवार हो, देखो भैया भाइयों भाइयों की जिम्मेदारी सीधे मामा की है। और इसी हमने तय किया है, हमारे जो बच्चे मेधावी होंगे, 8,00,000 रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय होगी, उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, लॉ कॉलेज में होता है और किसी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होता है, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 25,00,000 हो, 50,00,000 हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं, बच्चों की जिंदगी में हम अंधेरा नहीं रहे।